स्क्रिप्ट पर प्लैगरिज्म का केस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस मूवी में आप हिट हुए ट्रिपल आर मूवी के रामचरण को देखेंगे। उन्हीं के साथ इस मूवी में चिरंजीवी, रामचरण, पूजा हेगड़े और काजल अग्रवाल भी हैं। बात ये भी थी कि तरीशा करेंगी रोल, पर वो बीच में ही मूवी से निकल गई और उनका रोल काजल अग्रवाल को दिया गया। आप लोग ये भी सुने होंगे कि महेश बाबू को रामचरण का रोल मिला था, पर वो ह्यूमर था। इस ह्यूमर को गलत बताते हुए चिरंजीवी कंफर्म करते हैं कि उनके बेटे रामचरण ही रोल करने वाले थे और कोरताला शिवा ने एडजस्ट करके उनका फुल लेंथ रोल किया है। अगस्त 2020 में राइटर राजेश मंदूरी ने आचार्य को अपना स्क्रिप्ट बताया और केस कर दिया और बताया कि ये स्टोरी उन्होंने प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवीज मेकर्स के थोड़े सालों पहले बताया था कि बट लिखा नहीं था प्रॉपरली। मैटनी एंटरटेनमेंट इस क्लेम को प्रूफलेस बोलती है और बोलती है कि ये स्क्रिप्ट पहले से ही कोरताला का था। ये एक इंडियन तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट कोरताला शिवा ने किया है। ये मूवी मैटनी एंटरटेनमेंट और कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। ये मूवी चिरंजीवी के बेटे रामचरण ने निरंजन रेड्डी के साथ कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मैटनी एंटरटेनमेंट बैनर्स में प्रोड्यूस किया है। मेगा स्टार्स सन रामचरण ने भी मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है सिद्धा का। पूजा हेगड़े ने नीलम बारी का कैरेक्टर प्ले किया है और वो उनकी लव लेडी होती है मूवी में। इवन सोनू सूद, जीशु संगुप्ता, सौरव लोकेश किशोर, कोसानी कृष्णा मुरली और तनिकेला भरानी भी है मूवी में। ये मूवी 29 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। इस मूवी का बजट 140 करोड़ है INR है। इस मूवी का म्यूजिक मनी शर्मा ने किया है। मनी शर्मा एक जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल मूवी के म्यूजिक कंपोज और सिंग किए हैं। जब ऑडियंस ने ट्रेलर देखा मूवी का, तब उन्हें थोड़ा आइडिया हुआ मूवी का, पर पूरा क्लियर नहीं हुआ मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मूवी का ओपनिंग पीरियोडिकल बैकड्रॉप में होता है। ये मूवी के बारे में बोला जाता है कि ये मूवी एक बुक सुब्राओ पानीघारी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में एक मैसेज देते हैं डायरेक्टर, बट इस मूवी में कमर्शियल एलिमेंट्स के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म किया है। ये मूवी का ओपनिंग एक स्टोरी पे होता है जो ऑर्चर्ड लैंड्स पे काम करने वाले होते हैं। ये मूवी एक सोशियो पॉलिटिकल एक्शनर के वे में डायरेक्ट किया है। इस मूवी का प्लॉट मिडिल एज नक्सलाइट जो सोशल रिफॉर्मर में बदल जाता है, वो एंडोमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एक फाइट स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट टेंपल के फंड्स एंड डोनेशन के मिसयूज कर रहे थे। इस मूवी के टीजर में आप तेलुगु मसाला देख सकते हैं। ये मूवी का नाम पहले कुछ और डिसाइड किया गया था, फिर आचार्य रख दिया गया। ये मूवी में चिरंजीव और रामचरण साथ आएंगे, जिसको देखने एटलीस्ट दो जनरेशन तो आएंगे ही। ऐसी ही जोड़ी बॉलीवुड में भी है, जैसे अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, सरकार सरकार राज, कभी अलविदा ना कहना जैसे मूवी में साथ में आए थे। फिर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणबीर कपूर भी बेशरम में आए थे। काजल ने ऑडियंस को अपना आने वाली मूवी आचार्य के बारे में कुछ मजेदार अपडेट्स दिए अपने रिसेंट इंटरव्यू में। वो बताता है कि चिरंजीवी ने अपने ऑडियंस को अपना एक्शन ड्रामा के मूव्स से अट्रैक्ट करेंगे। वो बताती हैं कि ये मूवी में उनका लीड रोल है और वो बहुत एक्शन करते हैं। वो ये भी बताती हैं कि चिरंजीवी एंड चरण्स कैरेक्टर जो मूवी में है, उसे ऑडियंस पागल हो जाएंगी उनके पीछे। कोरताला शिवा इस मूवी में पहली बार चिरंजीवी के साथ वर्क कर रहे हैं और यही नहीं, उन्होंने मूवी में चीरू के कैरेक्टर्स को ऐसा बनाया है जो ऑडियंस ने कभी भी नहीं देखा होगा। काजल इंटरव्यू के एंड में बोलती हैं कि वो अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, जिसके वजह से वो अलग अलग जॉनर की मूवीज कर रही हैं। आपने उन्हें रिसेंटली एक हॉरर वेब सीरीज में देखा होगा और अभी वो विष्णु मोसागालू के मूवी में आने वाली हैं। चिरू के पास भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवीज लाइन अप हैं। वो मोहन राजाज गॉडफादर एंड महिर रमेश भोला शंकर मूवी में दिखेंगे। आप सब चिरंजीवी के फैंस, मेनली तेलुगु मूवीज फैंस, चिरंजीवी के एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेज और उनके सॉन्ग्स में एक्सेप्शनल डांस मूव्स पसंद करते हैं, ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी क्योंकि इस मूवी में चिरू ने एक आइटम सॉन्ग किया है जो उन्हें भी बहुत पसंद है। डायरेक्टर कोरताला शिवा ने रेजिना कैसेंड्रा को एक स्पेशल सॉन्ग साना कस्टम ऑपोजिट चिरंजीवी के लिए रोल दिया है। एक रिसेंट इंट्रैक्शन में साउथ दीवा ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं चिरू के साथ अपने आइटम सॉन्ग्स के बारे में। वो बताते हैं कि सेलिब्रेशन सॉन्ग्स को 6 डेज लगा था शूट होने में एंड
इसके सेट बहुत बड़ा था हैदराबाद में। इवारू एक्ट्रेस रेजिना कैसेंड्रा इतनी खुश है कि बात आ नहीं सकते, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस मेगा स्टार चिरंजीवी ने पसंद किया और बहुत अप्रिशिएट किया था। द कोथा जनता स्टार रेजिना कैसेंड्रा इतना खुश थी कि वो एक्साइटमेंट में बोलती हैं, ये मेरे करियर का फर्स्ट एंड लास्ट आइटम सॉन्ग है। रेजिना साना कस्टम सॉन्ग ऑफर के लिए मना नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें सबसे बड़े स्टार चिरू के साथ डांस करने का मौका मिल रहा था, जो कि उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और एक ड्रामा है जो सच हो गया। रिसेंटली उनका मूवी RRR रिलीज हुआ था जो ब्लॉकबस्टर निकला। कई लोगों का कहना है कि लैंग्वेज डिफरेंस के कारण आप सक्सेस कुछ हद तक ही हासिल कर पाएंगे। क्या आपको भी लगता है लैंग्वेज डिफरेंस से सक्सेस में कोई फर्क पड़ता है? जैसे रामचरण ने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी RRR दी थी, उनका कहना ये है कि पूरे देश में एक ही लैंग्वेज है जो हिंदी है। वो भी अपने मूवीज हिंदी में रिलीज करेंगे, जिसमें एक मूवी आचार्य है। ये मूवी इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें रामचरण और चिरंजीवी का डेब्यू देख सकते हैं। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर्स भी फादर सन ड्यूट करते हैं मूवी में, ताकि लार्ज ऑडियंस जैसे दो जनरेशन के ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। इस मूवी में रामचरण अपना रोल से लोगों का दिल जीत पाएगी या नहीं, वो तो आपका मूवी देख ही पता चलेगा। अप्रैल में और भी कई बड़ी मूवीज रिलीज होंगी, जैसे KGF चैप्टर 2 एंड बीस्ट। क्या ये मूवी दूसरे ब्लॉकबस्टर के बीच अपना जगह बना पाएगी? क्या फादर सन ड्यूट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगा? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए और होप करता हूँ कि आप भी एक्साइटेड होंगे। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। होप करता हूँ आपको मेरा आर्टिकल अच्छा लगे। धन्यवाद। Thank you.